क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? आप भी सोचते होंगे कि मैं कैसा सवाल पूछ रही हूँ। बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते हैं? और अपने बच्चे तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन मेरा सवाल आज उन पेरेंट्स से है जो अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एनजाइटी की वजह से, या अपने ऑफिस में चल रहे किसी स्ट्रेस की वजह से, या अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, या अपने पास्ट में रही कोई प्रॉब्लम्स की वजह से अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ टॉक्सिक वर्ड बोल दिया करते हैं। आखिर क्यों बोलते हैं पेरेंट्स टॉक्सिक वर्ड अपने बच्चों को? क्या आप भी कभी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में अपने बच्चों से कुछ ऐसे टॉक्सिक वर्ड्स बोल देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन टॉक्सिक वर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उन बच्चों के मन पर क्या बुरा असर पड़ता है, और हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो की दो सीरीज़ मैं बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी टॉक्सिक वर्ड्स हैं जो हम अपने बच्चों के साथ बार 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 रिपीट करते रहते हैं और उन्हें बोलते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम ऐसे कौन सी अफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने बच्चों के लिए जिनसे उनका भविष्य उज्जवल और बहुत उज्जवल होने वाला है। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये टॉक्सिक वर्ड? टॉक्सिक एक जहरीला, टॉक्सिक इज़ लाइक अ एक जहरीली चीज़। अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक आ जाए तो हमारी बॉडी का क्या हाल हो जाता है? हम बिल्कुल अनवेल फील करते हैं, हमारी बॉडी सुंदर नहीं दिखती, हम मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हैं, हम मोटे हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो टॉक्सिक अगर हमारे बॉडी के अंदर जमा हो जाए तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? तो ये टॉक्सिक वर्ड, जैसे अपमानजनक भाषा बच्चों के साथ इस्तेमाल करना, उन्हें कुछ गलत बातें बार बार बोलना, हालांकि माता पिता का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता है अपने बच्चों के लिए। वो जो भी बात उनसे कहते हैं, इंटेंशन अच्छी होती है, उनका भला चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसे वर्ड्स बार 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 अफर्म करते हैं कि वो बच्चा उसी तरह का हो जाता है। अपने बच्चों को हमें दुआएं देनी है, ना कि उन्हें बददुआएं। ये सारे टॉक्सिक वर्ड्स जो है ना, हमारे बच्चों के लिए एक बददुआ की तरह काम करते हैं, और हम उन पेरेंट्स में से नहीं जो अपने बच्चों को टॉक्सिक वर्ड दे जिससे उनकी लाइफ स्ट्रेस भरी हो जाए, या वो डिप्रेशन में चले जाएं, या वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी ना बिता पाएं, है ना? तो आइए पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि मैंने अपना, ज़्यादातर मोस्टली माँ इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि मैंने तुम्हारी परवरिश के लिए या तुम्हारे होने के बाद मैंने अपना करियर दाव पे लगा दिया, मैंने अपनी अच्छी जॉब दाव पे लगा दी, आई एम एट होम जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बच्चे को कैसा लगता होगा? क्या कभी हम बच्चे की तरफ से उसको अपने आप को उसकी जगह रख करके सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट दिस सेंटेंस कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर दांव पे लगा दिया है। पेरेंट्स अपना करियर दांव पे कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप जिस समय पेरेंटिंग कर रहे होते हो ना, आप मदर मदरहुड को इंजॉय कर रहे होते हो, उस समय यू आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। आप उस बच्चे की पूरी पूरी मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप उसकी हेल्प करते हो, केयर करते हो, है ना? तो आपका करियर बर्बाद कहाँ हुआ? आपका करियर तो, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, उसके लिए तो मदर्स को प्राउड होना चाहिए। जब हम कभी जाने अनजाने अपने बच्चों से इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं तो बच्चों के मन के अंदर एक हीन भावना शिकार करने लग जाती है, क्या मैं इतना बुरा हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ का करियर बर्बाद हो गया, है ना? ये फील आने लगता है उनके मन में। अब जैसे कि एक पॉइंट और मैंने यहाँ पर सोचा था, जैसे कि हम उनकी तुलना करते हैं,
किसी दूसरे के साथ। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं ना, अगर हमारी अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं चल रही है या कुछ, देखो प्लस माइनस सबके होते हैं, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमियां हो सकता है मेरे हस्बैंड के अंदर कुछ कमियां हो, मैं उसके लिए अपने बच्चे को कभी ब्लेम नहीं कर सकती। अगर हम ये कहते हैं कि देखो तुम्हारी आदत ना बिल्कुल अपने पापा की तरह है, या पापा कहते हैं ये आदत तुम्हारी बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है, हमेशा उन्हीं की तरह गंदा करती हो, हमेशा उन्हीं की तरह सोचती हो या उन्हीं की तरह बोलते हो, बच्चे को क्या रियलाइज़ होता है? बच्चा सोचता है कि क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ, और क्या मेरे पापा या मदर दोनों इतने बुरे हैं कि हम उसके लिए, मुझे मेरी माँ बार बार बोलती है कि अपने पापा की तरह कर रहे हो। तो पापा के लिए भी हम एक्चुअली जाने अनजाने बच्चे के मन के अंदर एक ये भावना का विकास कर देते हैं कि योर फादर इज़ नॉट परफेक्ट, और तुम उनकी तरह कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर नॉट सो परफेक्ट। तो यहाँ पर भी बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। पॉइंट 3 डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है तो वो कितना अच्छा डांस करती है। हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी है, हर बच्चा विलक्षण होता है, वो अपनी योग्यताओं के साथ पैदा हुआ होता है। ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति संसार में आया है ना, उसकी अपनी कुछ ना कुछ एक योग्यता है, और हम उसको किसी दूसरे की योग्यता के साथ जज नहीं कर सकते, और दैट इज़ नॉट फेयर विद द चाइल्ड। वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिस्टर रस्तोगी का बेटा तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है, देखा है उनकी बेटी कितना अच्छा डांस करती है। ठीक है, हमारा बच्चा अच्छा डांस नहीं करता, अच्छे नंबर नहीं लेकर आता, बट इट डजंट मीन कि वो कुछ भी अच्छा नहीं करता है। यहाँ पर भी बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है, उसे लगता है कि अरे क्या दूसरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अपने माँ बाप का सर ऊँचा नहीं कर रहा, क्या मेरी वजह से उनकी नाक कट जाती है ना, ये सारी चीज़ें, क्या मेरी वजह से मेरे फादर और मदर प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को हीन समझने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उनसे इतनी ज़्यादा होती हैं जितना कि वो बेचारा बच्चा संभाल भी नहीं पाता है ना। और ये शोध करा गया है कि इसी तरह के मेंटल या इमोशनल एब्यूज़ बच्चों के साथ किए जाते हैं, जिसमें साल के 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस एब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या वो अंतर्मुखी कहते हैं ना इंट्रोवर्ट, अपने अंदर ही अंदर चीज़ें घुटती रहती हैं उनके, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं एक मानसिक ऐसी बीमारी बच्चों को हो सकती है जिससे उनका, क्योंकि विकास तो उनका रुक ही गया, डीमोटिवेशन हमने उनको दे दिया, क्रिटिसाइज हमने उनको कर दिया, तो जो एक छोटा सा बच्चा जो उसके अभी हल्के हल्के पंख निकले थे, अब वो उड़ने के लिए सोच ही रहा था, एंड वी हैव स्टार्टेड आर थिंग्स लाइक कि हमने उस पर जो है ऊपर से उसको बोलना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो बेचारा उड़ना शुरू करता ही उसकी जर्नी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हम जाने अनजाने करते हैं, लेकिन करते हैं। दिस इज़ रियली रियली अनफेयर विद द स्मॉल चाइल्ड। ओके, एक पॉइंट और मैं बहुत अच्छा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं यू आर सो अगली, तमीज से नहीं चल सकते थे, इंसल्ट करा दी मेरी उनके सामने, वगैरह वगैरह, तुम बहुत कद में छोटी हो, तुम्हारा रंग फेयर नहीं है, तुम बहुत मोटी हो, तुम्हें थोड़ा पतला होना चाहिए, है ना, या तुम बहुत ज़ोर से बोलती हो, या तुम ऐसे करती हो, ऐसे चलती हो, नहीं, दीज थिंग्स लाइक, मतलब ये एक इतना गंदा टॉक्सिक हम उनके दिमाग के अंदर भरते रहते हैं कि वो बच्चों के मनस्पटल पर इस तरह से चिपक जाता है जो कभी नहीं निकलता, कभी भी नहीं निकलता है। और अगर आपका बच्चा कुछ नेगेटिव, मतलब एक मैं जनरली आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा और बच्चों की तरह उतना कैपेबल नहीं है, क्योंकि हर कोई बच्चा क्लास के अंदर फर्स्ट नहीं आ सकता भाई। अगर आप कोई बच्चा फर्स्ट रैंक कर रहा है तो हो सकता है कोई बच्चा फिफ्थ रैंक भी कर रहा होगा, और अगर जो बच्चा फिफ्थ रैंक कर रहा है तो कोई बच्चा टेंथ रैंक भी कर रहा होगा। तो अगर हम बच्चों को उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनके नंबर्स के हिसाब से, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से जज करेंगे, तो वाकई यकीन मानिए बच्चा कुछ भी नहीं कर पाने वाला है, कुछ भी नहीं करेगा। पता है क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों की केयर करना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ के जो भी फेलियर्स होते हैं उससे उनको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन
इस चीज के लिए भी हमें वेट करना चाहिए क्या? इज इट द राइट टाइम वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ थिंग टू आर किड्स? नो, दिस इज नॉट गुड. मेरा मानना ये है कि बच्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट करता है ना, तो वो अपने माता पिता पे. और अगर आपने उसको ये टॉक्सिक वर्ड्स दिए हैं तो वो उस पर 100% बिलीव करेगा. और जब वो इन पे बिलीव करेगा तो ही विल डेफिनेटली कैन नॉट ग्रो. समाज के अंदर इतने कॉम्पिटिशन में वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से अफर्मेशंस हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुंह से जब हम अपने मुंह से कोई वर्ड बोलते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो उनके लिए बद्दुआ नहीं, एक दुआ साबित हो जाए. तो वही कुछ अफर्मेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.